हाँ, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। जैसे न्यूज़ बॉय नियॉन मैन ने यूट्यूब रिलेटेड न्यूज़ आपको शेयर करते हैं, वैसे ही मैं आज से फिटनेस रिलेटेड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। यूट्यूब चैनल फिटनेस चैनल रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बात करें फर्स्ट न्यूज़ की, तो जैसे आपको मालूम है जिम्स रीओपन कब होंगे, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत टाइम पहले ही जिम्स रीओपन की परमिशन दे दी थी, पर कुछ स्टेट है जिन्होंने परमिशन अभी तक नहीं दी है। तो बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में परमिशन नहीं दी गई है, पर बिहार में जिम्स रीओपन हो चुके हैं और दिल्ली में भी 21 सितंबर से जिम रीओपन हो जाएंगे। बात करें अगर जब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जिम्स रीओपन नहीं होंगे। तो रीज़न आप जानते हो कि पहले सुशांत सर के केस में जो ड्रग का केस चल रहा था, अभी कंगना रनौत के साथ उनका बीएमसी का जो मसला चल रहा है, तो उसके बीच में मुझे नहीं लगता 1-2 महीने तक और जिम खुलेंगे। वो फिटनेस इंडस्ट्री पे मुझे नहीं लगता कोई ध्यान देगा। बात करेंगे सेकेंड न्यूज़ की, तो अनलॉक 4 के गाइडलाइन के अनुसार जो मैरिजेस हैं और जो सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं उनमें 50 मेंबर्स की परमिशन दी गई थी, उनको 100 कर दिया है, पर वो 21 सितंबर से होगी। और अनलॉक 4 में ये बताया गया था स्विमिंग पूल, थिएटर, स्कूल, कॉलेजेस उनको क्लोज ही रखा है, ओपन नहीं होंगे। पर जो 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। तो बात करेगा जो थर्ड न्यूज़ की, अभिनव महाजन का जानते रहेंगे, बहुत बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, पर अराउंड आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा तो पिछले 1 साल से उन्होंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। लास्ट उन्होंने 11 जुलाई को की थी, और जो उनकी स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ थी वो वीडियोस पहले हटा दी थी उन्होंने, अब फिर से वो आ गई हैं। मैंने उनको कमेंट करके पूछा था रीज़न, पर अभी तक रीज़न पता नहीं चला कि उन्होंने वीडियोस हटाई थी, पर अभी वो वापस आ चुकी हैं। इंस्टाग्राम पे वो अब थोड़े बहुत एक्टिव हो चुके हैं।